स्नैपड्रैगन का 870 वाला चिपसेट आपको अंडर 20,000 में देखने के लिए मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, पोको फिर से सरप्राइज करने के लिए पोको F4 5G इस फोन को लॉन्च करने वाला है इंडिया पर। ऑलरेडी फ्लिपकार्ट पर लैंडिंग पेज आ गया है, बट इसका लॉन्चिंग डेट कब होने वाला है, कॉन्फर्म लॉन्चिंग डेट कब होने वाला है और इस फोन के साथ आपको कॉन्फर्म क्या स्पेसिफिकेशन देखने के लिए मिलेगा और इसका प्राइस बहुत अच्छा होने वाला है, क्या प्राइस होने वाला है, सब कुछ इस वीडियो के साथ मैं शेयर करने वाला हूँ। वीडियो को एक लाइक देकर स्टार्ट कीजिए, अंत तक देखिए, स्किप मत करिए क्योंकि स्किप करेंगे तो इंफॉर्मेशन भी स्किप हो जाएगा। दोस्तों सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल कर दीजिए। दोस्तों पोको F4 5G ये वाला फोन रीब्रांडेड वाला फोन है क्योंकि पोको खुद से एक रीब्रांडेड वाला कंपनी है। ये वाला फोन रीब्रांडेड हो रहा है Redmi का जो K40S है जो ऑलरेडी चाइनीज मार्केट पर लॉन्च हो गया है, उसका रीब्रांडेड बिल्कुल रीब्रांडेड होने वाला है। और इस फोन का जो स्पेसिफिकेशन है, स्पेसिफिकेशन बहुत अच्छा होने वाला है। आपको डिस्प्ले सेक्शन पर 6.67 इंच का सुपर एमोलेड पैनल मिलेगा, 120 हर्ट्ज का सपोर्ट मिलेगा रिफ्रेश रेट और इधर आपको एजीआर 10 प्लस का सर्टिफिकेशन भी मिलेगा। बट इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर आपको इधर देखने के लिए नहीं मिलेगा, आपको राइट साइड पर साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने के लिए मिल जाएगा। बट इसका जो प्रोसेसर का सेक्शन है बहुत अच्छा होने वाला है। आपको स्नैपड्रैगन का फ्लैगशिप रेट का 870 वाला चिपसेट मिलेगा, बिल्कुल एक स्टेबल वाला एक चिपसेट है, हीट भी उतना ज्यादा जनरेट नहीं करता है, बट आपको फ्लैगशिप रेट का परफॉर्मेंस इधर निकल कर दे रखा है। और इस फोन का जो गेमिंग परफॉर्मेंस होगा, गेमिंग परफॉर्मेंस भी बहुत हाईएस्ट होगा क्योंकि इस फोन का जो चिपसेट है अंडर 20,000 अंडर 25,000 इस कैटेगरी में वन ऑफ द बेस्ट है। इस फोन का जो कैमरा का सेगमेंट है, कैमरा का सेगमेंट भी ठीक ठाक है। आपको बैक सेक्शन पर ट्रिपल कैमरा का सेटअप मिलेगा, 64 MP का मेन कैमरा मिलेगा और मेन कैमरा में आपको EIS OIS दोनों का सपोर्ट एक साथ देखने के लिए मिलेगा। 4K 30 FPS पर मैक्सिमम आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाओगे और 8 MP का आपको अल्ट्रा वाइड कैमरा मिलेगा एंड 2 MP का यूजलेस आपको मैक्रो कैमरा मिलेगा। फ्रंट में आपको सेंटर पंच होल में इधर 16 MP का कैमरा मिलेगा और 16 MP कैमरा के साथ आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाओगे फुल HD 30 FPS मैक्सिमम पर। और पोको का जो कैमरा एप्लीकेशन का जो सपोर्ट होता है वीडियो के और फोटो मोड में जो जो होता है सपोर्ट होता है सब कुछ इधर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और इस फोन का जो बिल्ड क्वालिटी है ना, बिल्ड क्वालिटी भी बहुत खास होने वाला है। आपको बैक सेक्शन पर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन मिलेगा, मतलब ग्लास प्रोटेक्शन मिलेगा और फ्रंट में भी आपको ग्लास प्रोटेक्शन इधर देखने के लिए मिल जाएगा। बैटरी सेगमेंट 4500 mAh का आपको बैटरी मिलेगा। इनबॉक्स आपको 67 W का चार्जर मिलेगा, मतलब फास्ट चार्जर इनबॉक्स आपको देखने के लिए मिलता है। टाइप सी कनेक्टिविटी है बट 3.5 mm ऑडियो जैक का सपोर्ट इधर नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आपको इधर डुअल स्टीडियो स्पीकर का सपोर्ट मिलता है, IR ब्लस्टर टॉप साइड पर देखने के लिए मिल जाता है, हर एक सेंसर मिल जाता है। और सॉफ्टवेयर का सेक्शन पर आपको MIUI 13 के साथ Android 12 इनबॉक्स आपको देखने के लिए मिल जाएगा। शायद इधर आपको दो एंड्रॉयड का अपडेट इधर पोको प्रोवाइड कर देगा। एंड्रॉयड 13 का भी अपडेट आएगा, एंड्रॉयड 14 का भी अपडेट आएगा और MIUI का जो 14 का अपडेट है, MIUI का जो 15 का अपडेट है, क्योंकि ये थोड़ा मिड बजट रेंज का फोन नहीं है, थोड़ा अपर बजट रेंज का फोन है, इसलिए दोनों अपडेट एंड्रॉइड का आपको डेफिनेटली इधर देखने के लिए मिल जाएगा। दोस्तों अभी है इस फोन का प्राइस क्या होगा और वेरिएंट क्या आएगा। दोस्तों बेस वेरिएंट जो होने वाला है 6GB रैम के साथ 128GB इंटरनल मेमोरी का सपोर्ट मिलेगा और भी एक वेरिएंट होगा 8GB रैम के साथ 128GB इंटरनल मेमोरी का सपोर्ट मिलेगा। इधर जो इंटरनल मेमोरी का स्टोरेज टाइप आपको देखने के लिए जो मिलता है वो है UFS 3.1 और इधर आपको जो रैम टाइप देखने के लिए मिलता है वो है LPDDR5। जी हां दोस्तों, रैम टाइप में भी इधर एडवांस लेवल का रैम टाइप देखने के लिए मिलता है और स्टोरेज टाइप भी फ्लैगशिप ग्रेड का है। बट आपको कोई भी मेमोरी कार्ड का सपोर्ट देखने के लिए नहीं मिलेगा, आपको दोनों सिम कार्ड इंसर्ट करने का इधर ऑप्शन मिल जाएगा बट कोई भी माइक्रो SD का ऑप्शन देखने के लिए नहीं मिलेगा। दोस्तों फाइनली इस फोन का प्राइस क्या होने वाला है। इस फोन का जो बेस वेरिएंट है, बेस वेरिएंट का प्राइस शायद इंडिया पर पोको वालों ने 23,919 रुपीस मतलब 24,000 में लॉन्च कर दे और उसके साथ आपको बैंक ऑफर भी देखने के लिए मिल जाएगा और बैंक ऑफर के साथ शायद इस फोन का प्राइस 20,000 to 21,000 आपको देखने के लिए मिले क्योंकि इधर कंपटीशन जो हो रहा है IQ Neo 6 के साथ होगा और Neo 6 जो फास्ट सेल पर आया था उस फोन का प्राइस 23,000 था बैंक ऑफर के साथ और इधर पोको का जो प्राइस होने वाला है उससे थोड़ा कम ही होगा, मतलब उससे ज्यादा नहीं होगा, उसका प्राइस का लेवल होगा और उसके साथ थोड़ा कम भी आपको प्राइस देखने के लिए मिल जाएगा, शायद 21,000 तक जाएगा मैक्सिमम में बोल रहा हूं बैंक ऑफर के साथ। दोस्तों आप में से कौन कौन इंटरेस्टेड हो इस फोन को परचेस करने के लिए टवटप इधर कमेंट सेक्शन पर कमेंट कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और इस तरह का वीडियो पाने के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।